और जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, लाइफ नेवर स्टॉप्स. सो अब टाइम है कहने का आई आई सर अनुराग वर्मा रिपोर्टिंग बैक टू लाइफ. सो चलिए लेट अस रीस्टार्ट दिस जर्नी. बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जो सुबह पक्षियों की चहचहाट से उठते हैं. बट हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि हमें पक्षियों की चहचहाट सुनने को मिले. एक तो हम नाइट शिफ्ट वाले लोग और दूसरा हमारा पड़ोस. भाई हमारी आँख सुबह खुलती है पड़ोस के बच्चों के शोर के साथ. इतना शोर कि आप अगर कोशिश भी करें कुछ देर और सोने की तो ये आपको सोने नहीं देंगे. कैसे हैं आप? स्वागत है आपका माय बिग अप्रिल में. सो आज का एक नया दिन शुरू हो चुका है और इस नए दिन के साथ बहुत सी नई चीज़ें शुरू हुई हैं. और जैसे कि फिर से जिम शुरू होगा और जिम शुरू करना है तो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए. सो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है. मैं करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से. यही मेरे ओट्स का बोल है जो घूम रहा है और क्योंकि यही वो खाना है ना जिसे खाकर थोड़े से बड़े हुए मतलब हॉरिजॉन्टली. सो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ. तो जो मैं बात कर रहा था कि मेरी आँख खुलती है सुबह सुबह पड़ोस के बच्चों के शोर के साथ. सो मैं मिलवाता हूँ उन नटखट बच्चों से आपको. तो यही लोग हैं जो मेरी नींद में खलल डालते हैं. हाँ भाई लड्डू क्या कर रहे हो तुम? है? है? हो गया आज से ही. इतने लिए ना मम्मी गई आज. बस लेने? हाँ बस लेने. नहीं बुक्स. बुक्स अच्छा. कौन सी क्लास में गए तुम? फोर्थ. और लड्डू तुम कौन सी क्लास में गए? प्ले प्ले स्कूल. और बेटा तुम? केजी. मैं फर्स्ट में गए हो? नहीं स्कूल में. नहीं स्कूल में. कब से जाना है स्कूल? कल. कल से स्कूल शुरू. सुबह सुबह है ना? मैं पाँच गए. तो वो 4 बजे निकलेंगे 5 बजे पहुंचेंगे. 4 बजे निकलोगे स्कूल के लिए? कहाँ है स्कूल? घर से सेक्टर 5. तो 1 घंटा थोड़ी लगता है सेक्टर 5 जाने में. हम तो ऐसे ही जाते हैं रोज. 4 बजे अंधेरे में? हम चाहते चले 9 बजे. अच्छा आते 11 बजे. 11 बजे स्कूल खत्म हो जाएगा? अच्छा जी इतनी जल्दी. नाइन स्कूल है हमारा. कौन सा स्कूल है? ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल. कौन सा? ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल. ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल. अरे वाह. फिर आप भी जा रहे हो स्कूल कल? है नहीं कल से स्टार्ट है इसका. मजा आएगा स्कूल जाने में? हाँ. झूले भी है? हाँ झूले भी है. ट्यूशन जाते हैं यहीं पे. अच्छा अब ऊपर नहीं जा रहे ट्यूशन? पहले जाते थे अब नहीं जाते. अब ये कल रोज जाते हैं. चलो बाय बाय. ये क्या है? ये कैमरा है. शाम को कल वीडियो देखना. तुम्हारा वीडियो आएगा कल आना. ठीक है इसे लेके कहाँ? इधर ही. अच्छा कल तो तुम स्कूल जाओगे? परसों नहीं कल तो छुट्टी रहेगी. कल स्कूल नहीं जाना परसों जाना. कल आ जाना. ठीक है ठीक है बेटा बाय. हाँ तो ये हैं वो बच्चे जिनके बारे में बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में. सो कल से इन लोगों का स्कूल शुरू हो रहा है. सो पहले मैं सोचा था ये लोग स्कूल जाएंगे तो बच्चे ऑलमोस्ट पूरा दिन स्कूल रहेंगे मेरे अंडे बॉयल हो गए. बट अभी उड़ती हुई खबर ये आई है कि बच्चों का स्कूल शुरू होगा सुबह 4 बजे और 11 बजे तक जब स्कूल से वापस आएंगे. अब ये तो मेरे लिए तो बहुत नई सी न्यूज़ है कि 4 बजे बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है. आई डोंट नो कितना सच कितना झूठ बच्चे हैं. भाई अभी हाल कुछ ऐसा है कि धूप तो है दिल्ली में लेकिन
धूप के साथ साथ मौसम थोड़ा सा ठंडा भी है, हवा थोड़ी ठीक चल रही है, तो ठंडे मौसम में हम धूप के भी मज़े ले रहे हैं। तो वरना अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर अप्रैल 3 तारीख पर अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो धूप में तो आप बिल्कुल जल के खाक हो जाते हैं, लेकिन अभी होपफुली ऐसा मौसम नहीं है दिल्ली का। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, सो लेट्स होप कि ये मौसम आगे भी ऐसे ही बना रहे। तो बात कुछ यूँ है कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बिना नहाए नाश्ता कर लेता हूँ, अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, और मेरा नहाने का समय होता है शाम को जिम के बाद। बताओ घिया कौन नहीं खाता, घिया तो इतना सही लगता, घिया तो इतना सही लगता है। लो भाई घिया नहीं खाते साहब। सो अभी वो काम तो हम निपटाया है जो भी रिलेटेड था हमारे पानी के मीटर से। सो पानी के मीटर का तो काम कर दिया सुरेश जी ने, हालांकि इनका नाम सुरेश नहीं था। अब आ रही है मेरा लैपटॉप खोलकर वो थंबनेल बनाने की, जो ब्लॉग मैंने बहुत टाइम बाद पोस्ट किया था। तो आई होप आप लोगों ने वो जो ब्लॉग है वो देख लिया हो। अगर नहीं देखा है वो ब्लॉग तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ आई लिंक आई बटन में कहीं ना कहीं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और कन्फ्यूजन होती है ना, पास्ट में बोले, फ्यूचर में बोले, प्रेजेंट में बोले, सो आप उसे देखिएगा। मैं तैयार करता हूँ उसका थंबनेल और इन्जॉय कीजिएगा उस ब्लॉग को, और बताइएगा कॉमेंट में कैसा लगा। मिलता हूँ आप लोगों से। सो बहुत टाइम से लाइफ पॉज पर थी, ये पॉज बहुत टाइम बाद शुरू हो रहा है फिर से। सो सब चीज़ें रीस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से आया हूँ जिम। जिम का जो आया था पॉज वो तो आया था खासकर नवरात्रों के कारण, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फिर से हम लोग शुरू करेंगे। सो स्टार्ट टाइम और करने सब चीज़ें शुरू। जिम तो आप लोगों ने पहले देखा ही हुआ है मेरा, और तो फिर से शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट लाइट। तो अब जिम से तो मैं आ गया हूँ, और जैसे कि बहुत टाइम बाद पहला दिन था तो इट वाज वेरी टायरिंग, और सारा दम जो है जिम ने मेरा निकाल दिया है। और अब हमारी बारी है
कि अब हम थोड़ा सा नहाएंगे, मतलब थोड़ा सा नहीं, नहाएंगे तो पूरा ही, बट कहते हैं ना जैसे थोड़ा सा नहा लेंगे। सो अभी जो है नहाऊँगा, बज रहे हैं लगभग 6:15 शाम के, और जैसे मैंने आप लोगों को आज पहले भी कहा था कि जी हाँ, मैं जो है नहाए बिना खा पी लेता हूँ, और नहाए बिना ही मैं जो अपने सारे काम कर लेता हूँ। और एक्चुअली साइकिल ही कुछ ऐसी है कि मैं नहाता शाम के वक्त हूँ, और अब गर्मी आ गई है तो दो बार हो सकता है। सो क्या करें साहब, हमारा तो साइकिल ही उल्टा है। हम सोते सुबह हैं जब लोग जागने की तैयारी कर रहे थे, और जागते दोपहर में जब लोगों का आगे दिन हो चुका होता है, और नाश्ता करते हैं लोगों के लंच के टाइम पर। तो इस वजह से पूरा का पूरा हमारा साइकिल उल्टा चल रहा है, और ये साइकिल उल्टा चलते हुए लगभग हो गए हैं 12-13 साल। सो अब तो हम इसके आदि हो गए हैं। बजे हैं शाम के 6:15। अब जाता हूँ, नहाता हूँ, और उसके बाद अपना ये जो खुद की नौकरी वाला काम था ये तो हमने कर लिया है पूरा, और अब बारी है हमारे ऑफिस की नौकरी को चालू करने की। तो अब नहा कर आएंगे, होंगे रेडी, और ड्यूटी बजाएंगे अपने बॉस की। सो इनसे मिलिए, ये हमारे नए साथी लैपटॉप कुमार, एंड आई एम ऑलरेडी इन लव विद इट। पर्सनल चीजें बाद में। सो व्लॉगिंग रिलेटेड जितना भी काम था वो तो सारा मैंने कर लिया है आज का, और अगर कुछ और होगा तो वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट अभी बारी है जस्ट टू लॉग इन, बिकॉज पावर नैप भी हो गई है और अब अपने लॉग इन का समय है। सो मैं यहाँ करता हूँ लॉग इन, और कहता हूँ अपने बॉस को, आई आई सर अनुराग वर्मा रिपोर्टिंग बैक। सो चलिए, अब मुझे लगता है आज के इस वीडियो को मुझे कर लेना चाहिए यहीं पर अंत, और अंत करते हैं एक बढ़िया से फैक्ट के साथ। तो जैसे आज जिम गया मैं नवरात्रों के बहुत एक लंबे पीरियड के बाद, सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। और जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी रिलीज करती है तरह तरह के केमिकल्स, जैसे कि एंडोर्फिन, डोपामीन और एड्रेनालाइन। सो ये वो ब्रेन केमिकल्स हैं जिससे कि आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। सो आप जो है खुश महसूस करते हैं, आपको प्रसन्नता महसूस होती है, और जो है आप काफ़ी ज़्यादा इससे प्रसन्न महसूस करते हैं। और ऐसी बहुत सी स्टडीज़ भी हुई हैं जहाँ पर देखा गया है कि जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हैं, उतना ज़्यादा आप जो है खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसके बाद ही आप खुश होंगे, अगर एक छोटा सा एक स्मॉल बाउट ऑफ एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो दैट विल श्योरली गोना मेक यू हैप्पी। आपको बिल्कुल वो जो एक हैप्पीनेस का एक पंच है वो आपको मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में ये हैप्पीनेस का पंच लाए, और अपने आप को हैप्पीनेस का ये पंच दे, और बढ़िया से जिम में जा करके या पार्क में जा करके थोड़ा सा वॉक करके, और खुश रहें, एक अच्छी हेल्थ आपको मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो करता हूँ अंत, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर करना है, और साथ ही अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोज़ एक व्लॉग। सो अभी फिलहाल बोलता हूँ बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेक केयर, योर।